साल 1969 में कारोबारी घराने चौहान परिवार के नेतृत्व वाली पार्ले ने बिस्लरी इंडिया लिमिटेड को खरीद लिया था। जब इस कंपनी को चौहान ने खरीदा था तो उनकी उम्र उस समय केवल 28 साल थी। उस समय केवल 4 लाख रुपए में बिस्लरी कंपनी का सौदा हुआ था। बोतल बंद पानी यानी पैकेज्ड वाटर, दुकान से इसे खरीदना हो तो सबसे पहले जो नाम जुबा पर आता है वो है बिस्लरी। अब ये ब्रांड बिकने वाला है, हालांकि ये देश से बाहर नहीं जा रहा और ग्राहकों को शायद इसी नाम से मिलता भी रहेगा। दरअसल कंपनी की कमान संभाल रहे रमेश चौहान ने इसे बेचने का फैसला किया है और खरीदने की दौड़ में सबसे आगे टाटा कंज्यूमर्स प्रोडक्ट्स लिमिटेड है। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि देश का सबसे लोकप्रिय ब्रांड होने और अच्छा कारोबार करने के बावजूद इसे बेचने की नौबत क्यों आई? बढ़ती उम्र और ख़राब स्वास्थ्य, भारत की सबसे बड़ी पैक्स्ड वाटर कंपनी बिस्लरी के मालिक 82 वर्षीय रमेश चौहान हैं। ईटी की रिपोर्ट की माने तो बढ़ती उम्र के साथ ही खराब स्वास्थ्य के अलावा और भी कई ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से बिस्लरी का सौदा करने की नौबत आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बिस्लरी को आगे बढ़ाना या विस्तार के अगले स्तर पर ले जाने के लिए चेयरमैन के पास कोई उत्तराधिकारी नहीं है। बेटी जयंती की भी कम दिलचस्पी वजह है। रिपोर्ट में बताया गया कि रमेश चौहान की बेटी और बिस्लरी की वाइस चेयरमैन जयंती भी कारोबार के लिए बहुत उत्सुक नहीं है, जिसके चलते अब बिस्लरी को बेचने की तैयारी की जा रही है। यहाँ बता दें कि बिस्लरी के चेयरमैन और MD पद की जिम्मेदारी रमेश चौहान के कंधे पर है। वहीं उनकी पत्नी जैनब चौहान कंपनी की डायरेक्टर हैं। रमेश चौहान का बयान, रिपोर्ट के मुताबिक बिस्लरी इंटरनेशनल के चेयरमैन और मशहूर उद्योगपति रमेश चौहान ने गुरुवार को कहा कि वह अपने बोतलबंद पानी के कारोबार के लिए खरीदार की तलाश में हैं और उनकी टाटा कंपनी से भी बातचीत चल रही है। जब उनसे पूछा गया कि बिस्लरी कारोबार को बेचने के पीछे वजह क्या है, उन्होंने कहा कि आगे चलकर किसी को तो इस कंपनी को संभालना ही होगा, इसीलिए हम उचित रास्ता तलाश रहे हैं। उनकी बेटी को कारोबार संभालने में कम दिलचस्पी है, हालांकि उन्होंने कहा कि अभी केवल बातचीत चल रही है, डील पर मोहर नहीं लगी है। 1969 में खरीदी गई थी बिस्लरी। साल 1969 में कारोबारी घराने चौहान परिवार के नेतृत्व वाले पार्ले ने बिस्लरी इंडिया लिमिटेड को खरीद लिया था। जब इस कंपनी को चौहान ने खरीदा था तो उनकी उम्र उस समय केवल 28 साल थी। उस समय केवल 4 लाख रुपए में बिस्लरी कंपनी का सौदा हुआ था। 1995 में इसकी कमान रमेश जे चौहान के हाथों में आ गई। इसके बाद पैकेज्ड वाटर का कारोबार इस तेजी से दौड़ा कि अब बोतलबंद पानी की पहचान बन गया है। भारत में पैकेज्ड वाटर का मार्केट 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का है। इसमें से 60% हिस्सा असंगठित है। बिस्लरी का संगठित बाजार में हिस्सेदारी करीब 32% है। 7,000 करोड़ रुपए में हो सकता है सौदा। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिस्लरी को बेचने के लिए टाटा ग्रुप के साथ डील लगभग पूरी होने वाली है। यह सौदा 6 से 7 हज़ार करोड़ रुपये में बताया जा रहा है, लेकिन रमेश चौहान फिलहाल इससे इनकार कर रहे हैं। वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक देश भर में बिस्लरी के 122 से अधिक ऑपरेशनल प्लांट मौजूद हैं, जबकि पूरे भारत में लगभग 5,000 ट्रकों के साथ 4,500 से अधिक इसके डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क हैं।